कृष्णा, तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 19 दिसंबर मंगलवार के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये है टैरो, ये है एक ओरैकल, यू कैन से मून कनेक्टेड ओरैकल, ठीक है, और तीसरा है ये कुछ मैसेजेस। ठीक है, आई होप आपने पहले भी डेक देखा होगा। तो हम करने वाले हैं रीडिंग की शुरुआत। इसके पहले जान लीजिए, जनरल रीडिंग है तो बहुत कुछ मैच भी हो सकता है, बहुत कुछ नहीं भी हो सकता। ठीक है, सो ये निर्भर करता है कि आपकी परिस्थिति क्या है, आपके साथ क्या अपबीती हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जहाँ पर भी मुमकिन हो हम सभी राशियों को बताने की पूरी कोशिश करते हैं, जिस कार्ड के ऊपर भी एप्लीकेबल हो, चाहे फिर वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद दिस, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ये मिले हैं दो कार्ड, ठीक है, और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चार कार्ड मिले, ठीक है, ये आ गया पांचवा, छठा, और एक कार्ड चुनते हैं सातवा कार्ड, दैट्स इट। अगर लगा तो हम बोनस कार्ड भी ले सकते हैं, फिलहाल मेरे हिसाब से इतने कार्ड्स काफ़ी हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिली है। सबसे पहला कार्ड स्ट्रेंथ, यानी कि लियो, सिंह राशि, पहला ही कार्ड मेजर अरकाना के थ्रू। आध्यात्मिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहाँ पर भी हमें लॉजिकल जवाब नहीं मिलते, प्रैक्टिकल जवाब नहीं मिलते, तब ये कार्ड्स बहुत हेल्प करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, साथ में दूसरा एक कार्ड आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून का, ठीक है, लेट्स सी नाउ यहाँ पे और क्या कार्ड आता है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि भाई कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ठीक है। एक और कार्ड है किंग ऑफ कप्स, तो क्वीन एंड किंग साथ में आ चुके हैं। यस, ये उनके मूड्स दर्शाते हैं जो कि बहुत ही साथ में चल रहे हैं, बहुत ही वेल सेटल्ड है, या फिर ये आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी, या फिर आप दोनों के फैमिली कंबाइंड एनर्जी दिखा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, फिर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यस, सेकंड विश कार्ड हमें मिल चुका है, एंड फाइनली है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि भी मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि। तो जो राशियाँ कार्ड वाइज यहाँ पे हमें नहीं दिख रही है वो है भी एरीज, लियो, सैज, यानी कि सिंह राशि तो है यहाँ पे, तो सिर्फ दो राशियाँ नहीं है, मेष यानी कि एरीज एंड धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस, ठीक है। सो बाकी सब तो है यहाँ पे, एंड ये रीडिंग सभी 12 की 12 राशियों को एप्लीकेबल है, ठीक है। सो लेट्स सी हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला ही कार्ड है स्ट्रेंथ, तो हाँ ये पर्सन कहीं ना कहीं बता रहा है कि आई गॉट द स्ट्रेंथ, शायद सुबह की शुरुआत बहुत दमदार हो चुकी है और कॉन्फिडेंस से भरी हुई शुरुआत है, यार इनको एहसास हो चुका है कि यस आई कैन विन द हार्ट्स बैक, मैं वापस से दिल जीत सकता हूँ, चाहे फिर वो आपका हो, आपके घर वालों का हो, ठीक है, और जो भी सिचुएशन है इसे वो कंट्रोल कर सकते हैं। बस अगर आपके साथ का ही इनको इंतजार था, सो डोंट वरी, यू आर ऑलवेज देयर विद देम। आपने अगर ये बताया है और अगर आप अपने वर्ड्स पे कायम हो तो इनको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपके ऊपर काफी ज्यादा निर्भर करते हैं, ऐसे हम यहाँ पे कह सकते हैं। सेकंड यहाँ पे तो व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, ये पर्सन कह रहा है कि भाई मेरा तो नसीब ही बल्ले बल्ले कर रहा है, ठीक है, यानी कि भाई सब कुछ बढ़िया हो रहा है एंड ये एक अच्छी बात है। देखो कई बार जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं या फिर कई बार नाइटमेयर्स आते हैं, कई दफ़ा हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती, तो यू नो अंदर से हम खोखले हो जाते हैं, फिर बहुत तकलीफ होती है। वहाँ पे जब एक ऐसा दिन आता है जब हमारे हिसाब से लगता है कि दुनिया चल रही है, तो बहुत खुशी मिलती है, ये वो वाला दिन है जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे कनेक्शन है आपका इनके साथ, एंड हम यूँ कह सकते कि मे बी अगर आप दोनों के बीच सुलह नहीं हो रही थी किसी बात को लेके, ओके, किसी बात को लेके, जैसे कि मे बी चाहे वो फिर कॉम्प्रोमाइज हो, यू नो किसी बात को लेके अड़ंगा चल रहा था कि कौन एडजस्टमेंट करेगा कौन नहीं करेगा, सेकंड की भी कहीं ना कहीं पे अगर कमिटमेंट नहीं आ रही थी, कमिटमेंट का इशू आ रहा था, कौन कमिटमेंट देगा, इतनी जल्दी क्यों चाहिए, तो फाइनली आई थिंक यहाँ पे आप दोनों को जवाब मिल गया होगा कि
कमिटमेंट या फिर वो जो इशू है वो सॉल्व हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। बिकॉज जब दो लोग होते हैं और दो लोगों की अलग अलग राय होती है लेकिन वो दो लोग साथ में होते हैं तो फिर वो राय फाइनली एक बननी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वही चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही। तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी आ रहा है दोनों तरफ से आ रहा है तो एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून तो सिर्फ इनकी तरफ से नहीं आ रहा है, आपके भी तरफ से आ रहा है। आपको भी लग रहा है कि हाँ अब मेरी जिंदगी में एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है, आई कैन गेट दिस स्ट्रेंथ बैक, मुझे वापस से पावर ताकत मिलने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटेकल्स, तो अगर हम मानते हैं कि किस्मत कनेक्शन है यहाँ पे या फिर यूनिवर्स खुद आपको कुछ दे रही है तो सिक्स ऑफ पेंटेकल्स यहाँ पे ग्रेटेस्ट साइन है। सिक्स ऑफ पेंटेकल्स क्या कह रही है कि भाई यू नो यहाँ पे आप दोनों को यू नो बारी बारी से सब कुछ मिल रहा है या फिर माप तोल के सब कुछ मिल रहा है। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ इनको मिल रहा है आपको नहीं मिल रहा, बिल्कुल आप दोनों को सही मिल रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा इनको ये प्रॉब्लम है तो आपको भी थोड़ा ये प्रॉब्लम होगा, थोड़ा इनको ये जस्टिफिकेशन मिल रहा है तो आपको भी कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन मिल रहा होगा, वो बात हम यहाँ पे कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे है नाइन ऑफ पेंटेकल्स तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये विन विन सिचुएशन है, आपकी भी जीत और इनकी भी जीत, दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही है। प्रैक्टिकल कार्ड है ये, प्रैक्टिकल हैप्पीनेस, प्रैक्टिकल विश कार्ड। तो मे भी अगर प्रैक्टिकली आप कोई चीज़ सोच रहे थे कहीं पर जाने की, घूमने की, डेट अरेंज करने की या फिर कोई चीज़ परचेज करने की, प्रैक्टिकल अगर माइंडसेट नहीं बन रहा था यहाँ तक कि बेबीज़ के लिए भी, तो भी फाइनली ये कार्ड यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस, एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाई आई एम रेडी फॉर कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन स्मूथली हो रहा है। जब किंग होता है तो वो अपनी साइड रखता है, फिर उसके हिसाब से भाई मैं जो कहूँगा वही फाइनल होता है, बट क्वीन जो होती है वो सेटलमेंट कराती है, तो कहीं ना कहीं पे सेटलमेंट हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मून से रिलेटेड क्या एनर्जी हमें मिलती है। यस, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, चलो देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला ही कार्ड है डोंट रिपीट द मिस्टेक्स, ये कार्ड कहीं ना कहीं चल रहा है, मतलब ये बात है कि अब ये पर्सन दोबारा से वही मिस्टेक नहीं करेगी या फिर मिस्टेक से बाज आ गए हैं। ठीक है, तो एक अच्छी शुरुआत है इनके लिए और आपके लिए भी। सेकेंड कार्ड है वो है सून, भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी ये पर्सन कर रहा है या फिर उसके साथ से भी चीज़ें अब सही हो रही है, जहाँ पे लग रहा था कि नो थोड़ा सा समय लगेगा फिर थोड़ी देर लगेगी, अब ऐसा नहीं हो रहा है, चीज़ें एंड हालात अब आप दोनों के मुताबिक ढल रहे हैं। तो ये आपका पल है, जैसे चाहे वैसे आप एंजॉय कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनिफेस्ट, तो ये जो मैंने कहा रीडिंग के शुरुआत में ही, मैनिफेस्टेशन करना एंड ध्यान करना शायद का ही होगा, ये कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल वही बात यहाँ पे आ गई है। देखो कई लोग जो है वो मैनिफेस्टेशन करने में डिले करते हैं, मैनिफेस्टेशन एक ऐसी बात है कि आपको बताना होता है आप क्या फील करते हैं, आपको क्या चाहिए होता है और वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। हालांकि इसमें समय लग सकता है या फिर बहुत जल्दी भी हो सकता है, ये हालात के ऊपर डिपेंड होता है, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट मैनिफेस्टेशन करना ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक और कार्ड देखते हैं हम, ये है नो पेन नो गेन, तो ये पर्सन समझ करेंगे कि अगर कोशिश नहीं करेंगे तो हालात सही नहीं होंगे, एंड नो पेन नो गेन का मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं पे इनको हालात से तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा, जो हमने कहा ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो रहा है और दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है। ठीक है, अब देखते हैं फाइनली इस ओरैकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, करते हैं कार्ड्स का शफलिंग। एंड देखो पहला ही कार्ड है प्रोवाइड सपोर्ट, अधिका भी पर्सन इस दौर पर आ गया है कि भाई अब इसको सपोर्ट देना या फिर इसकी डेफिनेशन समझ में आ चुकी कि व्हाट इज़ मीन बाय गिविंग सपोर्ट। ठीक है, ये भी इसके ऊपर बिलीव करता है कि प्रोवाइड सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अब दोनों ही अगर ये करेंगे तो रिश्ते और हालात सही हो जाएंगे। सेकेंड, वर्क इट आउट, एंड्योर, तो ये बस वही बात जो हम यहाँ पे कह रहे थे कि भाई आप दोनों को ही काम करना फिर वर्कआउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा हम कॉम्प्रोमाइज़ करने से डरते हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, सही होगा। बस कॉम्प्रोमाइज़ एक ऐसा वर्ड जहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का लालच छोड़ना पड़ता है, हर चीज़ हमारे हिसाब से हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मान लो मे बी आप हमेशा एक स्पेसिफिक गाड़ी यूज़ करते हैं, चाहे आप कोई भी गाड़ी ले लो, और मे बी आपके किसी स्पेशल समवन ने आपको बुलाया तुरंत आप मुझसे मिलने के लिए, वो गाड़ी अवेलेबल नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या फिर रिक्शा अवेलेबल है, क्या करोगे आप, उसे यूज़ करोगे या नहीं, जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। नेक्स्ट कार्ड हमें मिल चुका है ये, जो कि है टेंड टू योरसेल्फ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाई अपने बारे में सोचो एंड
अपने में कैसे चेंजेस हो रहे हैं उसको भी एनालाइज करो, क्योंकि कई बार हम खुद चेंजेस से गुजर रहे होते हैं, हमें इसका आगाज भी नहीं होता। नेक्स्ट कार्ड है एक्सप्रेस योरसेल्फ, ये वही बात कर रहे, खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड दैट इज द मेन थिंग, कि कौन सी बात या फिर कौन सा जादू यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैजिशियन का कार्ड नहीं है, बट ये कार्ड कहीं ना कहीं ये यू नो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मैजिशियन आपके लिए वर्क कर रहा है। और एक और फाइनल कार्ड हम चुनते हैं, दो आ गए एक्चुअली, नो योर इमोशंस, जो हालात से पर्सन गुजर रहा है ना ये जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि शायद अगर आपको तकलीफ हो रही है इसको शायद डबल तकलीफ हो रही होगी। बस इन्होंने इजहार नहीं किया है, ना ही ये सोशल मीडिया पे आ गए हैं, इसीलिए आपको पता नहीं है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है बैलेंस, जो हमने यहाँ पे देखा सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल वही बात ये कर रहे हैं कि बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर दोनों तरफ से बैलेंसिंग हो रही है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा। आई होप इट विल रेजोनेट।